हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 9 की शुरुआत में 2013 का वक्त दिखाया जाता है। शेन शेंग अपने स्कूल की 50वीं एनिवर्सरी पर पियानो बजा रही होती है। जैसे ही शेन शेंग की परफॉर्मेंस खत्म होती है तो सभी इसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। लू शिंग यान शेन शेंग के लिए स्टेज पर फ्लावर्स लेकर आता है। ये देखकर शेन शेंग बहुत खुश होती है। शेन शेंग का वही क्लासमेट जिसने शेन शेंग से बदतमीजी की होती है, वो इसके पर पानी की बोतल फेंकता है, लेकिन लू शिंग यान शेन शेंग के सामने आ जाता है। टीचर गुस्से में पूछने लगते हैं कि आखिर ये किसने किया है। ये लड़का नहीं बोलता, लेकिन लू शिंग यान ने इसको देख लिया होता, इसलिए ये अपने इस क्लासमेट को मारने लगता है। और प्रेजेंट में लू शिंग यान ने शेन शेंग को बात करने के लिए बुलाया होता है। ये शेन शेंग से कहता है कि हम दोनों इस शो में अपने फायदे के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब तक हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तुम्हें यूसी से अकेले में नहीं मिलना चाहिए। ये बात सुनकर शेन शेंग को अच्छा नहीं लगता और ये लू शिंग यान से कहती है कि मैं और यूसी सिर्फ दोस्त हैं। लू शिंग यान कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन अगर तुम दोनों की साथ में किसी ने पिक्चर्स ले ली तो जब ये शो ब्रॉडकास्ट होगा तब तुम ऑडियंस को कैसे एक्सप्लेन करोगी। शेन शेंग कहती है कि अगर हमारी कोई फोटो ले भी ले तो मुझे नहीं लगता कि कोई मसला होगा, क्योंकि हम दोनों सिर्फ नॉर्मल दोस्तों की तरह ही मिलते हैं। लू शिंग यान कहता है कि ऐसा सिर्फ तुम सोचती हो, तुम नहीं जानती कि वो क्या सोचता है। इस बात पर शेन शेंग बहुत गुस्सा हो जाती है, कहने लगती है कि मैं और यूसी एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, लेकिन असल मसला मेरा यूसी से मिलना नहीं है, बल्कि मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें मेरी लाइफ को कंट्रोल करने का कोई भी हक नहीं है। हमारा जो भी रिलेशन हो इससे तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए, और अगर यूसी ने तुमसे कोई हार्श बात कह दी है तो उसकी जगह पर मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। लू शिंग यान कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया हूँ। ये कहकर लू शिंग यान यहाँ से चला जाता है। आज की डेट पर चेंग साओ और चिंजू से कहा जाता है कि तुम दोनों 10 सेंटेंस से ज्यादा बात नहीं करोगे। इन दोनों को ये शर्त पसंद नहीं आती, इसलिए ये दोनों टीम से बहस कर रहे होते हैं कि ऐसा क्यों है। दूसरी तरफ चिन और हिसू से कहा जाता है कि आज की डेट पर तुम लोग जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन तुम दोनों जो भी बात करोगे वो कम से कम 100 सेंटेंसेस होने चाहिए। ये सुनकर ये दोनों ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों दूसरे से बात ही नहीं कर पाते। लू शिंग यान और शेन शेंग को ये टास्क मिलता है कि तुम दोनों को मेन विला में मिलकर डिनर बनाना है और एक दूसरे की कोई एक बात बतानी है जो तुम दोनों बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल वाली बात की वजह से ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे होते। दूसरी तरफ चेंग साओ और चंजू की डेट शुरू होने से पहले इन दोनों के सेंटेंस खत्म हो गए होते हैं, इसलिए दोनों टीम से बात करते हैं कि तुम लोग हमें एक और चांस दे दो। टीम इसके लिए मान जाती है। अब इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट के दौरान चंजू इससे उसी लड़की के बारे में पूछ रही होती है जिससे ये मिला होता है, लेकिन चेंग साओ यही कह जा रहा होता है कि मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बताऊंगा। अब जब इनकी फाइट खत्म होती है तो चंजू के सेंटेंस खत्म हो गए होते हैं, इसलिए इसके मुंह पर टेप लगा दी जाती है। चेंग साओ इस तरह से देखकर कहने लगता है कि तुम रो नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हारी मॉम ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, उन्होंने इसलिए मुझे तुम्हें बताने से मना किया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम प्रेशराइज फील करो। अब चेंग साओ के मुंह पर भी टेप लगा दी जाती है। ये सुनने के बाद चंजू चेंग साओ को हग करती है। दूसरी तरफ हिसू और चेन एक दूसरे से बात करते हुए बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हिसू चेन से कहता है कि मेरा एक दोस्त है, उसको एक केस में तुम्हारी एडवाइस चाहिए। अब चेन और हिसू इसी केस को डिस्कस करने लगते हैं। यहाँ से वापस जाते हुए हिसू चेन को इसकी प्रोफेशनल एडवाइस के लिए थैंक्स बोलता है। चेन कहती है कि अगर तुम मुझसे एक केस डिस्कस ना करते तो शायद हम आज वाला टास्क पूरा ना कर पाते। जब इनकी फिल्मिंग खत्म हो जाती है तो ये दोनों मूवी देखने के लिए आ जाते हैं। ये दोनों मूवी देखते हुए काफी एंजॉय करते हैं। अब लू शिंग यान और शेन शेंग की भी शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन खाना बनाते हुए ये दोनों ही एक दूसरे को टीज कर रहे होते हैं। टीम भी यही सोच रही होती है कि आज इन दोनों को पता नहीं क्या हुआ है। लू शिंग यान शेन शेंग से कहते हैं कि क्या तुम मुझे राइस विनेगर दे सकते हो। शेन शेंग इसको देते हुए कहती है कि पैन गर्म है, ये आग भी पकड़ सकता है। लू शिंग यान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ये पैन में विनेगर डालता है तो आग लग जाती है। ये शेन शेंग को लेकर जल्दी से पीछे हो जाता है। ये दोनों एक साथ एक ही बात पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। लू शिंग यान शेन शेंग से कहता है कि ये मेरी गलती है, तो शेन शेंग कहती है कि तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। लू शिंग यान कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकते। शेन शेंग कहती है कि हाँ ये बात सही है, इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के साथ सही से काम कर सकते हैं। अब डिनर के दौरान भी ये दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे होते। अब जियान से कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे की वो बात बताओ जो तुम्हें पसंद नहीं है। लू शिंग यान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि शेन शेंग में कोई खामी है, वो परफेक्ट है। शेन शेंग इसको थैंक्स बोलते कहती है कि मैं भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचती हूँ, लेकिन जियाओ कहती है कि तुम दोनों को बताना होगा। शेन शेंग कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे लगता है कि लू शिंग यान थोड़ा सा एरोगेंट है, वो दूसरों की लाइफ को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लू शिंग यान कहता है कि वैसे शेन शेंग
में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्तों को लेकर इसकी जजमेंट इतनी अच्छी नहीं है। शिनचिंग को इस चीज को इम्प्रूव करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर तुम बुरे दोस्तों से दूर रहो तो तुम्हारी जिंदगी काफी बेहतर हो सकती है। शिनचिंग कहते हैं कि जिस दोस्त के बारे में तुम बात कर रहे हो यहाँ पर नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में बात करना सही है। अब टीम इन दोनों से कहती है कि उस दोस्त के बारे में बात करो। लुशिंग यान शिनचिंग से कहता है कि सब लोग उस दोस्त के बारे में जानना चाहते हैं। शिनचिंग कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता क्या है तुम्हें, उससे मसला क्या है। लुशिंग यान थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है, कहता है कि इसी वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ है। शिनचिंग कहती है कि अगर वो हमारे दरमियान ना भी होता तब भी हमारा ब्रेकअप हो जाता, और मुझे यकीन है कि तुम्हें उसका कारण मालूम है। लुशिंग यान कहता है कि मुझे नहीं मालूम। अब चूंकि हम इस बारे में बात कर ही रहे हैं तो फिर तुम मुझे बता दो कि हमारे ब्रेकअप का असली कारण क्या था। अब वो टाइम दिखाया जाता है जब लुशिंग यान ने शिनचिंग को प्रपोज किया था। शिनचिंग बैक स्टेज आकर लुशिंग यान को रिंग वापस कर देती है और कहती है कि इतने सारे लोगों के सामने मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकती थी, लेकिन तुम्हें इस प्रपोजल के बारे में मुझे पहले बता देना चाहिए था। लुशिंग यान कहता है लेकिन प्रपोजल तो सरप्राइज होता है। शिनचिंग कहती है कि मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। लुशिंग यान इसको रिंग देने की कोशिश कर रहा होता लेकिन शिनचिंग इससे रिंग नहीं लेती। शिनचिंग लुशिंग यान से कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर अपनी फैमिली की वजह से रहने आई थी। मेरे पेरेंट्स का रिलेशनशिप तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खराब है। मैंने बचपन से उन दोनों को एक दूसरे को टॉर्चर करते हुए देखा है, इसीलिए अपनी फैमिली से जुड़ी मेरी जितनी भी याद है वो बहुत तकलीफ से है। तुम्हारे इस प्रपोजल की वजह से मैं बहुत डर गई हूँ। शिनचिंग लुशिंग यान से कहती है कि मैं और तुम बहुत मुख्तलिफ हैं। मेरी शादी करने की कोई ख्वाहिश नहीं है। लुशिंग यान कहता है कि आखिर तुम क्या कहना चाह रही हो। शिनचिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए सब कुछ अचानक एक्सेप्ट करना मुश्किल है। मुझे जर्मनी की एक फिल्म अकेडमी से ऑफर आई है। लुशिंग यान हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम जर्मनी जा रही हो। शिनचिंग कहती है कि हाँ। ये सुनकर लुशिंग यान को बहुत दुख होता है। ये शिनचिंग से कहता है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। शिनचिंग कहती है कि पहले मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे ये मौका मिल सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। आज सुबह ही मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला है। शिनचिंग कहती है कि मुझे लगता है कि कुछ टाइम के लिए हम दोनों को अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। लुशिंग यान कहता है कि तुमने मेरी फीलिंग्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। शायद शुरू से लेकर अब तक तुमने मुझसे प्यार ही नहीं किया। शिनचिंग कहती है कि ऐसा नहीं है। लुशिंग यान कहता है कि फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम जर्मनी जा रही हो। ये सुनकर शिनचिंग रोने लगती है। जब शिनचिंग कोई जवाब नहीं देती तो लुशिंग यान कहता है कि मैं समझ गया हूँ। ये कहकर ये यहाँ से चला जाता है। इसके बाद 2018 में शिनचिंग लुशिंग यान के घर से अपना सामान लेने के लिए आती है। इन दोनों की मुलाकात काफी टाइम बाद होती है। ये शिनचिंग से कहता है कि लास्ट टाइम जिस तरह से मैंने बिहेव किया था मुझे उस तरह से नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। शिनचिंग कहती है कि तुम माफी मत मांगो, सारी गलती तुम्हारी नहीं थी। लुशिंग यान कहता है कि अब ट्रांसपोर्टेशन का मसला नहीं है तो मैं कभी भी तुमसे जर्मनी मिलने के लिए आ सकता हूँ। शिनचिंग कहती है कि क्या तुमने सोचा है कि हम दोनों फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। लुशिंग यान कहता है कि मैं नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होने वाला, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर शिनचिंग लुशिंग यान को हग करती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि लुशिंग यान पहली बार शिनचिंग से जर्मनी मिलने के लिए आता है। शिनचिंग लुशिंग यान से कहती है कि मुझसे मिलने के लिए तुम्हें यहाँ इतनी दूर आना पड़ा है, क्या इससे कहीं तुम्हारी इंटर्नशिप डिस्टर्ब तो नहीं हुई। लुशिंग यान कहता है कि उन्हें रिसोर्ट पर भी मेरी जरूरत नहीं थी, और वैसे भी तुम जल्द ही वापस आ जाओगे तो फिर मुझे तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर नहीं आना पड़ेगा। इस बात का शिनचिंग कोई भी जवाब नहीं देती। अब कुछ टाइम बाद का टाइम दिखाया जाता है। लुशिंग यान वीडियो कॉल पर शिनचिंग से पूछ रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैसे दिए हैं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसका घर खरीद लूँ। मैंने तुम्हें कुछ अपार्टमेंट्स की पिक्चर भेजी थी तो मुझे देखकर बता दो कि तुम्हें कौन सा अच्छा लगा है। लुशिंग यान इसे पूछता है कि वैसे तुम वापस कब आ रही हो। शिनचिंग कहती कि मुझे नहीं लगता कि मैं जल्दी वापस आ सकूंगी। लुशिंग यान कहता है लेकिन क्यों। शिनचिंग कहती है कि मेरे टीचर ने एक बहुत अच्छे डायरेक्टर को मेरे लिए ढूंढा है, अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो मुझे उस डायरेक्टर के साथ एज ए प्रोड्यूसर काम करने का मौका मिल सकता है। लुशिंग यान कहता है कि ठीक है, काम ज्यादा जरूरी है। इतने में यहाँ पर यूसी आता है। लुशिंग यान शिनचिंग से पूछता है कि तुम्हारे पीछे कौन है। शिनचिंग कहती है कि ये मेरा नया रूममेट है, इसका नाम यूसी है। अब 2019 में लुशिंग यान शिनचिंग से मिलने के लिए फिर से जर्मनी आता है। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, इतने में इसकी नजर बालकनी पर पड़ती है। लुशिंग यान जल्दी से शिनचिंग के पास आता है और ये गुस्से में यूसी को मारना शुरू कर देता है। बालकनी में यूसी के साथ कोई और लड़की होती है। शिनचिंग बहुत मुश्किल से लुशिंग यान को रोकती है। शिनचिंग लुशिंग यान से कहती है कि मैं बहुत डर गई थी कि कहीं तुम्हें डिपोर्ट ना कर दिया जाए। लुशिंग यान कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ। अब शिनचिंग पीछे हट जाती है तो लुशिंग यान शिनचिंग से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, मैं यूसी से भी जाकर माफी मांग लूंगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। शिनचिंग कहती है कि हम दोनों इतने टाइम से साथ हैं, क्या तुम अभी भी मेरे बारे में ये सोचते हो। लुशिंग यान कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम काफी टाइम से मुझसे दूर हो, शायद इसी वजह से मैं थोड़ा
इनसिक्योर हो गया हूँ। शनचेंग लुशिंगन से कहती है कि उस दिन मैंने गलती से तुम्हारा मैसेज देख लिया था, तुम हमारी शादी प्लान कर रहे हो, यहाँ तक कि तुमने घर भी खरीद लिया है। लुशिंगन कहते हैं लेकिन मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। शनचेंग कहती है लेकिन मैं भी शादी नहीं करना चाहती। लुशिंगन कहता है कि मैं सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हम दोनों अभी शादी कर लेंगे। लुशिंगन कहता है कि मैं जानता हूँ कि अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप की वजह से तुम शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, मुझे यकीन है कि एक दिन तुम अपना माइंड जरूर चेंज कर लोगी। शनचेंग कहती है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, खुशी का ताल्लुक शादी से नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहती और तुम इस फैक्ट को कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। लुशिंगन कहता है कि हमारे रिलेशनशिप को 6 साल हो गए हैं, क्या इसकी तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं है। शनचेंग रोते हुए कहती है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें वो नहीं दे सकती। अगर हमें इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज ही करना है तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए। अब शनचेंग को एक कॉल आती है, फोन पर किसी से माफी मांग रही होती है। लुशिंगन पूछता है कि क्या हुआ है। शनचेंग कहती है कि मैं थक गई हूँ। लुशिंगन कहता है कि मैं भी थक गया हूँ, इसलिए हम घर चलते हैं। शनचेंग कहती है कि मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहती, इसलिए अब तुम दोबारा यहाँ पर मत आना। लुशिंगन शनचेंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शनचेंग यहाँ से चली जाती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 9 खत्म हो जाती है।